न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। आगामी रामनवमी के त्यौहार को लेकर जिले के प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केंद्र रामनवमी समिति व अखाड़ा समितियों के पदाधिकारियों के साथ एक केंद्र शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उपस्थित अखाड़ा समितियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश, पर्व त्योहारों में असामाजिक तत्व अपने मनसूबे पर कामयाब न हो सके, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे, जुलूस की रूपरेखा, वाहनों की संख्या, डीजे पर पाबंदी, जुलूस में हाथी घोड़ों पर रोक जैसे कई आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय शांति समिति और अखाड़ा कमेटी के लाइसेंसधारियों और पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी महोत्सव मनाने का संकल्प लेते हुए सभी ने अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के आदेशों को मानते हुए रामनवमी महोत्सव मनाने का संकल्प लिया। वहीं रामनवमी पर्व को लेकर जिला की उपायुक्त और कप्तान ने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। थाना लेवल पे ऑलरेडी शांति समिति की लोकलाइज मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रलाइज शांति समिति की मीटिंग थी, इसमें जितनी सारी कुछ सिविक एमिनिटीज रिलेटेड शिकायतें थी या कुछ चीज़ों की कमियां थी उसको इन लोगों ने प्रशासन के निदर्शन में लाया है, हम उसको कवर कर ही रहे हैं। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क की साफ सफाई हो गई, नदी किनारे घाट की घाटों की साफ सफाई हो गई, उस दिन घाटों की लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, ये सारे जो इश्यूज है वो इश्यूज हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लाठी का साइज है, वो जो हमारा झंडा है वो जो ज्यादा ऊंचा होता है तो कुछ ना कुछ अनकवर्ड इंसिडेंट होते हैं, तो बिजली उस दिन कटेगी, तो हमने बहुत सारी जगह पे जनरेटर की व्यवस्था की है। सड़कों पे उस दिन बैरिकेडिंग भी होगा, तो बैरिकेडिंग से क्या होगा कि जो बाइकर्स हैं वो गलियों में आजू बाजू के जैसे एम्प्टी गलियां जो है वहां पे उसके थोड़ा सा मोहल्ले को इंटिमिडेट करते हैं, वो एक इंसिडेंट रुक जाएगा। पर्याप्त बिजली अगर नहीं रहेगी तो जनरेटर्स हम लोग दे रहे हैं। पेड़ों की छटाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है ताकि जब हमारा झंडा जाता है तो उसके साथ वो क्लैश नहीं हो। बिजली के तारे जहाँ पे लटक रही है उसको हम लोग कसवा रहे हैं। बाकी जहाँ नाले जाम हो चुके हैं उस नालों को भी साफ करने के लिए हमने कहा है। खासकर जो बाइकर्स हैं जो स्टंट राइडिंग कर रहे हैं, अपने देखा होगा नव वर्ष के दौरान बहुत सारे बाइकर्स को हम लोग पकड़े हैं, तो इन लोगों को भी हम लोग ट्रेस करते हैं, खासकर उनके नंबर सीसीटीवी कैमरा में देखे जाते हैं या फिर उनके पिक्चर्स लिए जाते हैं या फिर जानने वाले लोग बता देते हैं, उस दिन तो वो चल जाता है मगर बाकी के टाइम में तो फिर हम लोग उनको ट्रेस करके पकड़ के ये कर रहे हैं। ट्रेलर्स लाने में हमने कंप्लीटली मना ही की है, सड़कें बहुत छोटी है, उसके जो टर्न्स हैं वो इतने शार्प हैं कि आप इतना बड़ा ट्रेलर बहुत अच्छा खासा एरिया खाली किए बिना उसको टर्न नहीं करवा लेते, फिर वो आगे पीछे बहुत ट्रैफिक जाम करवाता है, तो ट्रेलर्स को हमने बैन किया है। राम नव वर्ष के दौरान एक ट्रेलर उन्होंने बाहर निकालने की इनकी कोशिश की, उसको हमने ब्लैकलिस्ट किया गया है, अब वो ट्रेलर कम्प्लीटली ब्लैकलिस्ट रहे तो वो सड़क पर नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ लोग पटाखे उड़ाते हैं, पटाखे उड़ाने के दौरान होता क्या है कि छोटे मोटे इंसिडेंट्स हादसे हो जाते हैं, नियर बाई किसी शॉप्स पर गिर जाते तो आग लग जाती है। जानवरों को जुलूस में लाने से मना किया, जानवर पटाखों की आवाज उसे इतने बड़े भीड़ से या हल्के से भी इंस्टिगेशन से वाइल्ड हो जाता है तो फिर कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी जो बाइकर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू है, ऐसी दुकान है जहाँ पे इस तरह से साइलेंसर्स मॉडिफाई हो रहे थे उन दुकानों पर भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि उस दिन शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन जो तरावीह है या जो शाम की नमाज है उसका टाइमिंग इन लोगों ने थोड़ा सा आगे किया है, तरावी भी शॉर्ट की गई है ताकि जल्द से जल्द लोग फ्री हो सके, तो कंप्लीट सौहार्द का वातावरण लाने का प्रशासन ने प्रयास किया हुआ है। और हम जनरल जनता से भी अपील करते हैं कि उस दिन आप अपने कृपया चार चक्के वाहनों को लेकर सड़क पे ना आए, ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स सड़क में हो जाने के बाद बहुत जाम सदृश स्थिति हो जाती है, जुलूस का चलने का अपना एक स्पेस होता है, बहुत सारे वाहन जाम हो जाते हैं, पैरेलल रोड की व्यवस्था नहीं होती है तो यातायात उससे खराब हो जाती है, तो कृपया आप रस्तों पे आना इस तरह के वाहन लेके अवॉइड करें, और दो बाइकर्स दो व्हीलर्स टू व्हीलर्स पे जो बाइकर्स आते हैं वो अपना पार्किंग अच्छे से सही से लगाए ताकि आपका पार्किंग जो है वो बाकी के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करे। बाकी अन्य कोई सुझाव है उसका स्वागत है, अन्य कोई शिकायत है वो हमको बताई जाए, इस तरह के अगर कहीं किसी के पास शराब का स्टॉक पूर्व में ही किया गया है तो उसके बारे में आप हमें सूचना दें, वो सूचना गुप्त रखी जाएगी, वहाँ हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
तो मेरी यही सबसे अपील रहेगी कि छठी सप्तमी अष्टमी रामनवमी और रमजान का बाद महीना शुरू है, इन सारे दिनों में लोग एकदम भाईचारा के साथ सभी फेस्टिवल्स का आनंद लें। तो पूर्वापार से जो चले आ रहे हैं वही रूट है, रूट में कोई डेविएशन हम लोगों ने नहीं किया है, बट जो टाइमिंग है 8 बजे शाम तक सब जुलूस खत्म करने के लिए हमने टाइम दिया है। और हमने केंद्रीय अखाड़ा समिति से भी अपील की है कि आप अपने से एरिया वाइज जुलूस का सिक्वेंसिंग करें, ताकि उनको ये भी लगे कि हाँ ये मेरा नंबर है तो इस वक्त मुझे निकलना पड़ेगा और फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा। कुछ जुलूस है वो सालों साल से लेट कर रहे हैं और उनके वजह से पूरी यंत्रणा उसी तरह से एंड तक 2-3-4 बजे तक अपनी शांत रात में भोर भोर चलती ही रहती है, तो कृपया इसको अवॉइड करें। रामनवमी को लेकर के आज से ही पूरे शहर के थाना प्रभारी को, ट्रैफिक थाना प्रभारी को, ट्रैफिक डीएसपी साहब, सीसीआर के डीएसपी साहब, सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि स्पेसिफिक रूप से जो स्टंट राइड करते हैं, साइलेंसर को मॉडिफाइड करके जो विभिन्न तरीके का फटाखा टाइप का आवाज निकालते हैं शहर के अलग अलग सड़कों पर या चौराहे पर, जिस तरीके का ये आतंक का माहौल सड़कों पर लोग फैलाते हैं, उसके लिए हम लोग एक विशेष मुहिम आज से चला रहे हैं और उसमें जो भी बाइक्स हो या कार्स हो जो पकड़े जाएंगे उनको हम लोग प्रोसिक्यूशन चलान भरकर उनको कोर्ट में भेजेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो उनके चालक रहेंगे उनको जेल भी भेजने का हम लोग उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है जेल भी भेजेंगे। लेकिन आप जो आपके तरह से आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सभी लोग नियम का पालन करें और कोई भी ऐसा सड़क पर काम नहीं करें जिससे आपके चलते आपके साथ जो चल रहे हैं राहगीर हमको दिक्कत होती है। शहर के लिए बहुत ही बैड प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि किसी हर एक किसी प्रकार का फेस्टिवल हो, किसी समुदाय का फेस्टिवल हो, उसमें यंगस्टर सारे फेस्टिवल को छोड़कर वो राइडिंग स्टंट राइडिंग में लग जाते हैं और इसीलिए हम उसको विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। जो ड्रिंक ड्राइव करके चलते हैं उस पर सारा चीज़ रहेगा, जैसे मैंने निर्देश दिया है कि ब्रेथलाइजर के साथ हम चेकिंग करेंगे और उसमें जरूर भी पकड़े जाएंगे तो विशेष रूप से हम लोग उनकी गाड़ी न्यायालय से ही छूटेगी और हम लोग इंश्योर करेंगे कि रामनवमी तक डेफिनेटली नहीं छूटेगी। जी जी, बाहर से पुलिस मुख्यालय के स्तर से हम लोग को अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कराई गई है, अतिरिक्त होम गार्ड्स को डेवलप किया गया है एंड जो CRPF की एक RAP होती है उसका भी रिक्वेशन भेजा गया है। इसके अलावा हमारे जो RAP की उनके लिए भी रिक्वेशन भेजा गया है। पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग हर एक सेंसिटिव प्लेसेस पर हर राय पर स्टैटिक रूप से पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी तो शहर के अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में गश्ती करते हुए टाइम फिक्स किया सर कितने बजे तक। हम लोगों ने इस बार सभी अखाड़ा समिति के लोगों को बोला है कि जो जुलूस का कार्यक्रम होता है, जो एजेंडा को ठंडा करने का प्रचलन है, उसको 8 बजे तक लेकर समाप्त करते हैं। डीजे को लेकर काफ़ी सख्त निर्देश था सर कि आप डीजे अलाउड ही नहीं है, डीजे किसी भी जुलूस में डीजे को नहीं रखना है और इस बार हम लोग डीजे मालिक जो भाड़ा पर रहते हैं, टेंट वाले हैं या साउंड बॉक्स वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं, उसके अलग से सूची बना रहे हैं और इस बार अगर किसी भी अखाड़ा में कोई डीजे पकड़ाएगा तो डीजे उनका जब्त कर लिया जाएगा, जितने सिस्टम है और अखाड़ा के लोगों पर और डीजे के द्वारा भाड़ा पर दिया गया है उनके संचालक पर मालिक पर भी हम लोग एफ आई आर दर्ज करेंगे।